हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फिर से एक एक्सरसाइज की वीडियो लेके आए हैं आप सबके लिए, और ये एक्सरसाइज सभी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, यंग भी कर सकते हैं, और ओल्ड में मैं उनको कहूँगी जो कि अपने हाथ पैरों का मूवमेंट अच्छे से दे पा रहे हैं विदाउट एनी स्ट्रेन। कोई भी आपके जोड़ों में या मसल्स पे जोर नहीं पड़ना चाहिए, जहाँ पे आपको जोर लगता है वहाँ पे आप बंद कर दीजिएगा, ठीक है ना। हमें अपने शरीर को देख परेशान करके अपनी एक्टिविटीज़ को नहीं बढ़ाना है। जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हो, 1 डिग्री ऊपर की स्ट्रेन आप ले सकते हो वहीं तक आप करिएगा, ठीक है ना। तो किसी भी एक्सरसाइज के लिए हमें पहले वार्मिंग अप की ज़रूरत होती है। वार्मिंग अप आप करिए, अब धीरे से आप अपनी वार्मिंग अप की स्पीड बढ़ाइए, ठीक है ना। एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमें एक्टिव रखता है, मूविंग रखता है। अब आप ये देख लीजिएगा कि जैसे ही आप 50 क्रॉस करते हो, अगर आप जॉब में नहीं हो या 60 पे आ गए हो, रिटायरमेंट हो गया, तब इंसान को लगता है कि हम रिलैक्स कर सकते हैं। पर अगर आप तब से रिलैक्स करना शुरू करोगे अगर विदाउट एनी एक्सरसाइज, तो यकीन मानिए 4-5 साल में आपकी जो मूवमेंट है वो कम हो जाएंगी, जो मसल्स हैं वो ढीली पड़ जाएंगी, और जो जॉइंट्स हैं वो स्टिफ होने लगेंगी। तो एक्सरसाइज क्या कराती है, आपके जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाती है, उसमें मूवमेंट लाती है, मसल्स को एक्टिव रखती है, और आपको भी एक्टिव रखती है, इजंट इट। तो अभी आप देखिए, इनका वार्मिंग अप हो गया है। अब हम आएंगे फर्स्ट एक्सरसाइज पे। तो इस एक्सरसाइज पे आपने अपने पैरों को थोड़ा सा फैला लीजिएगा, कमर को आप बिल्कुल पीछे निकालिएगा। जैसे कि आप देखते हो, आपकी कमर एकदम पीछे जानी चाहिए। ज़रा सीधे खड़े हो जाइए आप, और आपके पैर आगे करिए एक, और कमर पीछे निकालिए, हिप्स को पीछे निकालिए, हाथ आपके उस जॉइंट पे होना चाहिए। इससे क्या है कि आपके बॉडी में, इस एक्सरसाइज से पूरे बॉडी के पार्ट्स में एक्सरसाइज हो जाएगा। कम ऑन, 1 2, हाँ, 1, गेट रेडी, 1 2 3 4, 1 2 3 3, एक्सक्यूज मी बेटा, थोड़ी सी आपकी गलती हो गई है इसमें, आपको जिस पैर पे, हाँ ठीक है, हाँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाथ ऊपर मत ले जाइएगा, कंधे के लेवल पे रखिएगा, 1 2 3 4, ऊपर नहीं बेटा, हाँ, कंधे के लेवल पे, 1 2 3 4। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये आपके पूरी बॉडी को हिला के रख देगी, सारी मूवमेंट्स होंगी आपके। अब आप नेक्स्ट पैर ले लीजिएगा। ये एक्सरसाइज आपने 30 सेकेंड्स करना है राइट लेग के साथ, फिर 30 सेकेंड्स करना है लेफ्ट लेग के साथ। कम ऑन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक्सक्यूज मी, अब थोड़ा सा इसमें मैं करेक्शन करना चाहूँगी। जब आप अपना एक पैर निकालते हो तो हाथ आपका दूसरा काम करेगा। अब आपने जब ये पैर निकाला तो आपका वो हाथ जो है वो कमर पे जाएगी, और इस पैर से, हाथ से आप एक्सरसाइज करोगे, ठीक है ना। कम ऑन, हाँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 30 सेकेंड्स तक आपने करते रहिए, 1 2, 30 सेकेंड्स तक आपने पहले एक पैर से साथ करना है, फिर 30 सेकेंड्स आपने दूसरे पैर के साथ करना है। और ये देख लीजिएगा कि आपके यहाँ पे हिप्स पे भी प्रेशर पड़ेगा, हिप जॉइंट पे भी प्रेशर पड़ेगा, और आपके हाथ और पैर के मसल्स तो मूव कर ही रहे हैं। कम ऑन, नाउ इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं। ये जो है, इसमें आपके भी पूरे बॉडी के मसल्स आपके पार्टिसिपेट करेंगे इस एक्सरसाइज में,
यस, 1 2 3 4, पैर पीछे, 1, बेटा एक पैर आपका पीछे जाएगा, नहीं जब 1 करोगे तो पैर पीछे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. ये एक्सरसाइज भी आपने 30 सेकेंड्स तक करना है, करते रहिए, 1 2 30 सेकेंड्स तक एक पैर के साथ करना है, फिर दूसरे 30 सेकेंड्स में आपने दूसरे पैर के साथ करना है। अब आप दूसरे पैर के साथ स्टार्ट करिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये एक्सरसाइज भी आपने 30 सेकेंड्स तक करना है, 1 2 3 4। एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे जैसे हम यंग एज में तो सब चल जाता है, पर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए, हमारे जॉइंट्स के स्टिफनेस ना आए, इसलिए भी एक्सरसाइज करना है आपने, फॉलोड। तो अब हम इस एक्सरसाइज को रिवाइज करते हैं, कम ऑन लेट अस रिवाइज नाउ। पहली एक्सरसाइज, हाँ, एक पैर आगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब नेक्स्ट पैर से, 1 2 3 4। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपकी जो कमर है, जो हिप्स है, वो पीछे की तरफ जानी चाहिए, और आपके ये जो शोल्डर्स है, ये आपके पैरों के लेवल पे आ जाना चाहिए, इतना आपने झुकना है हिप से, बैक से, ठीक है ना। और ये हर एक्सरसाइज को आपने 30 सेकेंड्स के लिए करना है। नेक्स्ट, हाँ, 1 2 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नेक्स्ट, 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आपने जब एक्सरसाइज ख़त्म करनी है अपनी, तो एक बार जॉगिंग कर लीजिएगा आप, 1 2 3, ये भी आपने 30 सेकेंड्स तक करिएगा जॉगिंग, और धीरे से फिर आपने आना है वार्मिंग अप पे, जो कि आपको एंड करवाना है, आपने स्लोली आपने इस तरह से उसकी एंडिंग करनी है, जैसी आपने स्टार्टिंग किया था वैसे ही आपने एंडिंग करिएगा। कोशिश करिए ये एक्सरसाइजेस करने के लिए, यू विल फील बेटर, आपके मसल्स मतलब कि एक्टिव रहेंगे और वो जमेंगे नहीं, उनमें भार सा नहीं आएगा, आपके जॉइंट्स एक्टिव होंगे, उसमें स्टिफनेस नहीं आएगी, एंड देन लास्टली एक्सरसाइज आपको एक्टिव रखेगा, फ्रेश रखेगा, यू विल फील लाइटर। और अगर आप साथ से, मतलब कहते हैं ना कि 21 दिन, इट टेक्स 21 डेज टू चेंज अ हैबिट, अगर आप 21 दिन तक लगातार करते रहेंगे, तो 22वें दिन अगर आप नहीं करेंगे ना, तो आपको ऐसे लगेगा आई एम मिसिंग समथिंग, कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो छूट रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच, और आप इसी तरह से अपने आप को